Olmuş morning. आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? पहला प्रश्न, कैसे हैं आप सभी? जब भी कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? कैसे हैं आप सभी? चाहे जीवन में परिस्थितियां कितनी भी हों, लेकिन हमारा आंसर हमारे मन से जो निकलना है वो एक ही आंसर होना चाहिए, जो सीखा हमने दो दिन में। बड़े आनंद में थोड़े दिन, चाहे आपका मन युद्ध करे आपके साथ, युद्ध होगा, पुराने पढ़ाए हुए पाठ और ये नया पाठ। पहले हम जब ठीक होते थे तो हम कहते थे बड़े आनंद या बहुत अच्छे हैं। जब थोड़ा सा लो होते हैं तो हम कहते थे अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा एनर्जी लेवल लो होता है। जब थोड़ा और कभी उदास होते हैं तो हम कहते थे बस कट रही है। और इसके नीचे तो और नेगेटिव बातें हैं, लेकिन अब नया पाठ क्या पढ़ाया जा रहा है कि चाहे चीजें ठीक हों या नहीं, चाहे लोग ठीक हों या नहीं, परंतु हमें हमेशा कहना है मैं बड़े आनंद में। कुछ दिन, कुछ महीने, किसी किसी को साल, इसका अभ्यास करने से गजब के फायदे होंगे, तन में भी, मन में भी और आपके रिलेशंस में। तन के अंदर पॉजिटिव करंट प्रवाहित होगी, एक पॉजिटिव केमिकल्स बनेंगे, तन को निरोगी करने के लिए दवाई का निर्माण होगा शरीर के अंदर। जैसे आजकल बोल रहे कोरोना से इम्यून सिस्टम पावरफुल वाले बच सकते हैं, तो वो इम्यून सिस्टम आपका बहुत पावरफुल हो जाएगा। मन के लिए, मन हमेशा खुश रहना चाहता है, संतुष्ट रहना चाहता है, उड़ना चाहता है, तो मन की भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। कि जब आपका मन अच्छा है तो आपका व्यवहार भी अच्छा हो, आपके रिस्पॉन्सेस अच्छे हों इंटरेक्शन में लोगों के साथ। तो जब आपके रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस अच्छे हैं तो धीरे धीरे आपके संबंधों को भी
पॉजिटिव बनाती जाएंगी। तो इसलिए बहुत सीक्रेट है इस एक आनंद के पाठ में। आज के बाद हम जब भी मिलेंगे तब तो एक बार पूछेंगे ही, लेकिन जो दिन में आपके साथ लोग मिलते हैं जो भी पूछे आप यही आंसर दीजिए, भाई साहब बहन जी बड़े आनंद में, बस ऐसे करके देखिए। वैसे आनंद शब्द खुशी देने वाला है, परंतु एक दो बार सामने वाले को टेंशन भी दे देता है। वो टेंशन कैसे दे देता है कि आपके पड़ोसी को आप ऐसे बोलो, अगर उन्होंने पूछा भाई साहब गुड मॉर्निंग कैसे हो और आपने ऐसे कहा, अरे पूछो नहीं भाई साहब बड़े आनंद में हैं, आनंद लगा पड़ा है जिंदगी में। अब सोचो पड़ोसी का क्या हाल होगा। और आपने झूठ नहीं बोला, आपने सच बोला। जैसे किसी की लॉटरी निकल जाने से पड़ोसी खुश नहीं होता, कोई कोई खुश होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आजकल भाई भी खुश नहीं होता। ठीक है, तो एक दो बार किसी को इसकी टेंशन हो सकती, परंतु जब आप बार बार इसे बोलेंगे और फिर लोग ये देखेंगे कि आपके साथ जीवन में बहुत सी बातें भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप हमेशा यही बोलते हो, आप हमेशा कहते हो बड़े आनंद में परिस्थितियों में। जिंदगी में केवल कुछ एक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां ये बोला नहीं जा सकता, भाई किसी ने शरीर छोड़ दिया है, वहां चुपके से कोई बोले भाई कैसे हो ठीक हो, वहां नहीं बोल सकते आनंद में। वहां पर आनंद भाव दिखा भी नहीं सकते। वहां तो अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली की होगी तो भी गंभीर दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए कोई कोई जगह है जहां स्थिर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बाकी जीवन में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये होना चाहिए अंदर का आनंद। इट इज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, इट इज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, यानी खुश हूं ये दिखाने को आनंद नहीं कहते। मैं जो हूं वो अंदर से जो हूं और अंदर से आनंदित हूं वो दिखाना, प्रिटेंडिंग मतलब दिखाना नहीं है सिर्फ कि भाई उन्होंने पूछा कैसे हैं तो जवाब यही देना है बहुत अच्छे हैं। मेजॉरिटी का क्या होता है, प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, जब मिलेंगे बहन जी कैसी हो, कहते हैं बहुत अच्छे हैं रब दा शुक्र है, उसके बाद 2 घंटा चुगली करेंगे बैठ, 2 घंटा शिकायतें करेंगी बैठ, तो अच्छे कहाँ है जब मन शिकायतों से भरा, चुगलियों से भरा है, गिले शिकों से भरा है, तो अच्छे कहाँ है। तो इसलिए हैप्पीनेस आनंद भीतर का है, और जब मन को बनाना आ जाता है फिर आपको ये समझ आ जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हमारी लौकिक माता जी को कैंसर हुआ, उसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, हमने उसे मजबूर किया, हमें पता था उसने जीवन में पाठ नहीं पढ़ा है, भोली है,
पर ये पार्ट नहीं पढ़ा उसने कि इससे क्या होता है अगर ये बोलते हैं। तो मजबूरी में बोली, बच्चे के प्यार में बोली, बोलते बोलते आदत पड़ गई उसको। और फिर 20 साल जीवन जिया और बहुत खुशी से जिया, दर्द होते भी खुशी से जिया, दवाई खाते भी खुशी से जिया। परेशानियां थी, परेशानियां खत्म नहीं हुई थी, बीमारी पूरी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन बीमारी का एहसास खत्म हो। शरीर में बीमारी हो और आप डांस कर सको तो बीमारी तो हार गई ना। परिस्थितियां हैं लेकिन बीच में आप मुस्कुरा रहे हो, फूलों की तरह खिलखिलाया करो, गम हो समंदर से गहरा तो भी मुस्कुराया करो। छोटी छोटी बातें सैलाब बन, मेरी राय मानो। तो अब इसको पक्का कर। आज हमें विचार आया कि चलिए जीवन के कुछ अनुभवों की डिमांड बहुतों की आई थी, तो हम थोड़े अनुभव शेयर करें। वैसे तो मेरा, मुझे जो विचार रहा है आज तक, ये मुझे ये रहा है कि मैंने अनुभव ज्यादा सुनाए नहीं, कभी ज्यादा नहीं सुनाए। ऐसे थोड़े पार्ट्स में कुछ कुछ घटनाएं सुनाई हैं, पूरा अनुभव सुनाने में मैं ज्यादा विश्वास रखा नहीं मैंने कभी। उसका भी कारण है कि जो शब्दों में ज्यादा गा देते हैं, थोड़ा सा मैंने देखा है प्रैक्टिकल में थोड़ा कम हो जाते हैं। और कहीं मेरे को ये लगता थोथा चना बाजे घना, लिटल वेसल मेक्स मोर नॉइस। तो अगर मैं बहुत गाता हूं अपना अनुभव, तो वो अनुभव, वो गाना ही बताता है कि ये छलकना है। अधजल गगरी छलकत जाए। लेकिन अभी 32 वर्ष के करीब ज्ञान में हो गए, आज मेरे को खुद ही संकल्प आया। शायद अभी आप लोगों ने 3-4 महीने से सुना भी है, और अभी शायद मन को ये लगने लगा है कि हाँ, बोलने का कुछ थोड़ा बल महसूस हो रहा है, अनुभव का कुछ खजाना सा महसूस हो रहा है। और आप सभी का उसमें कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। ये जो न्यू टेक्निक्स, न्यू नहीं है, बाबा की मुरलियों से ही निकाली है, उनको जो नए तरीके से हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर प्रयोग किया, अमृत वेले का और जल्दी धारणाएं करने का, तो जो लक्ष्य था वो लक्ष्य सफल हुआ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। और कल आपने देखा हम सभी के अनुभव नहीं पढ़ पाए, बाद में मैंने कईयों का पढ़ा चैट में, कईयों के ईमेल भी आए, तो बहुत अच्छा लगा कि देखो ऐसी परिस्थितियों में भी आप आनंद में बोल सकते हैं, तो आप जीत गए समय। आज एक अच्छी घटना हुई, किसी का मैसेज आया बहन का, और उन्होंने कोई प्रॉब्लम लिखी, अभी वो सुन रही होंगी। प्रॉब्लम लिखने के बाद बोली मुझे जवाब जरूर देगा, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर से मैसेज आया कि आपने कहा है किसी देहधारी से प्रश्न का जवाब मत पूछो,
सॉरी ऐसा लिखा और ये लिखा आई अटेंड द क्लासेस रेगुलर। अभी देखिए खुद प्रश्न पूछा और खुद ही बोला मुझे आपसे जवाब नहीं चाहिए। तो अब आप सोचो मैं क्या आंसर दूं उसको। मैंने उनको आंसर दिया वंडरफुल। तालियां बजाते हैं हम आपके लिए। अब आपके जिंदगी के हर प्रश्न का उत्तर भगवान देगा और आपके हर समस्या का समाधान बाबा करेगा। देखिए बहुत अच्छी बात है ये। अगर फिर भटक कर किसी और देहधारी के पास न जाए तो भगवान के पास ही जाए। तो समाधान मिला पड़ा है। आई एम 100% श्योर, क्योंकि देहधारी निराश कर सकते, देहधारी टेम्परेरी सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन भगवान तो जो भी बहन थी नाम भी नहीं पता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है एंड कीप इट अप। हमारा हमारी शुभ भावनाएं आपके साथ हैं। अब खुद समाधान ढूंढ सको। ओके तो हमारा ये मानना कि हमारी बातों से जब तक ये ना लगे, मैं बार बार पूछता हूं जब भी क्लासेस भी कराते हैं कि भाई क्लास सुनते हुए आपको क्या लगता है। एक भाषण को याद करके कोई सुना रहा या कोई अनुभव की फीलिंग आती है, जो भी आती है इसमें सिर्फ प्रशंसा के लिए बोलना नहीं, उससे नुकसान होगा। लेकिन क्या ऐसा लगता है, ऐसे मैं पूछता हूं अपने साथ वालों से भी। रोज हम जब मीटिंग करते हैं बैठते हैं तो मैं पूछता हूं, ठीक है। तो इसलिए मेरे को एस्टिमेट होने लग गया अभी, तो तब हम इस लेवल पर हम प्रयोग कर पाए। ये बाबा ने करवाया जो प्रयोग, बहुत पहले एक संकल्प था जब हम सेवा केंद्र पर थे, पांच चार भाई बहन थे हमारे, बहुत मीठे भाई बहन, तो हम बैठ करके ये बोला करते थे कि मेरे को ऐसा लगता है कि डायमंड हॉल की स्टेज पर बैठकर कभी, ऐसा विजन था, सुंदर विजन, लक्ष्य जिसे कहते हैं, जैसे बाप समान बनने का लक्ष्य होता है। तो डायमंड हॉल की स्टेज पर बैठ करके एक तो होता है कि ज्ञान दे देना, ज्ञान सुना देना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक काम और किया जाना चाहिए अभी, डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर की जानी चाहिए। डायरेक्ट ऊर्जा देनी चाहिए, डायरेक्ट किसी को ऊर्जा फील होनी चाहिए। भले शब्द बोल रहे हैं लेकिन ऊर्जा उनके अंदर इन्फ्यूज होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टेम्परेरी रिजल्ट देती है, वो यहां तक जाती है, सीधा एनर्जी जाए, दिल के अंदर जाए, उसी घड़ी परिवर्तन तीव्र गति से आना चाहिए। इंफॉर्मेशन में होता है बात अच्छी लगी करेंगे, बात अच्छी लगी है करेंगे, पर कब करेंगे और ये करने की प्लानिंग बनाने से पहले ही कौन सी माया वेट कर रही है, बस उसी में रह जाता है। मोर देन 95% पुरुषार्थ
बिफोर प्लानिंग खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे किसी के दिल में कोई दूसरी नेगेटिव बात लगती है तो उसी टाइम एनर्जी आती है, उसी वक्त एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी वक्त झगड़ा करता है वो, उसी वक्त मतलब एक्शन में भी आ जाता है। तो ऐसे पॉजिटिव ऊर्जा ऐसे काम करे, परमात्मा का प्यार ऐसा दिल में लगे कि उसी वक्त काम करे, उसी वक्त लगे बाबा बैठा है, बैठा है। भले फोटो 10 साल से लगाई हुई है, बच्चे चिंता ना करो बाबा बैठा। तो ये विजन था, तो ये विजन आप सभी के बदौलत बहुत सफल हुआ है। और अगर आप सभी ऐसे ही साथ रहे तो हम सोचते हैं अभी इसको पूरे विश्व के लेवल, ऑलरेडी आपकी दुआ से लगभग 20 कंट्रीज से रिस्पांस आ रहा है। अभी भी हम देखते बीच में किसी किसी को जानते हैं, तो जर्मनी से, कनाडा से, यूके से, कल ऑस्ट्रेलिया से, मेलबोर्न से आया कल एक फोन, तो सुनते हैं ऑनलाइन अभी भी होंगे और उनको भी अच्छा लग रहा है। अभी मेलबोर्न में ही आरंभ कर रहे हैं, उन्होंने गाइडेंस पूछी है, कल आया है, क्या बताइए क्या किया जाए विशेष। तो आपकी दुआ से ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की करंट विश्व में पहुंच रही है, परंतु लक्ष्य 800 करोड़ आत्माओं का है। उसमें हमारे सारे संगठन की शक्ति चाहिए। अभी अकेले की शक्ति एक आत्मा की, वो स्टेज भी आएगी, पर मिल करके तो हम कर ही सकते। आप में से बहुत अच्छे योगी पैदा हुए हैं और सवेरे 1:30 बजे लाइन में लग जाते हैं। हमारा भी एक भी दिन दिल नहीं करता कि 2 बजे के योग की ड्यूटी हम नहीं ले ली। भाई ये पुण्य कार्य हमें करने, तो इसलिए कमल भाई जी से ये ड्यूटी हमें ले ली और बड़े सहजता से हम इसको कर पा रहे हैं। मेरे को कोई इसमें रिंचक भी टेंशन स्ट्रेस नहीं। अच्छा जी, ज्ञान का जीवन 32 वर्ष पहले आरंभ हुआ, ओम शांति। आनंद स्वरूप में बैठ जाना चाहिए।
तो जैसे ही ऐसे छोटी छोटी परिस्थितियां आए, भले छोटी बात है बट स्मॉल थिंग्स मेक ग्रेट डिफरेंसेस। छोटी बातों में ही प्रयोग करेंगे तो बड़ी बातों में सफल होंगे। तो छोटी छोटी बातों को, जैसे अभी है बात नेटवर्क की आई, सेकंड में शिफ्ट कर देना है, बड़ा आनंद स्वरूप। बता रहे थे कि ज्ञान का जीवन 32 वर्ष पहले आरंभ हुआ। अंबाला कैंट में हम वहां पर लौकिक घर वहां पर था और वहां पर लगभग 20 वर्ष की आयु उस वक्त हमारी थी। उस वक्त मैं डिप्लोमा कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो 60 किलोमीटर डिप्लोमा करने के लिए बाला से मीलोपेड़ी जाना पड़ता था। वहां पर हमारे बैच में एक भाई था, ब्रह्मा कुमार था वो, तो वहां पर अपनी ज्ञान की किताब लेकर बैठा करता था। तो हम उस पर हंसा करते थे, उसको ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बोलकर हंसा करते। लेकिन नहीं पता था कि उसके साथ ये मजाक हमारे को किसी और दिशा में ले जाएगा। तो एक बार फरीदाबाद हमारा एक प्रोफेशनल टूर गया, उस प्रोफेशनल टूर में सभी को जैसे आदतें होती हैं, वो अपना सिनेमा देखने के लिए निकल गए काम के समय, लेकिन मुझे ऐसी आदत नहीं थी। बचपन से ही पढ़ाई का नेचर अच्छा था, तो शाम को वो रह गया और हम दोनों रह गए। और उसके बाद वो भी कपड़े डालकर चलने के लिए तैयार हो गया। जब वो तैयार हुआ तो हमने कहा, भाई सभी तो चले गए, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बताया, मैं आश्रम जा रहा हूँ। तो फिर मैं भी उसके साथ आश्रम निकल गया, आश्रम ही था। वहां से अब ये तो समझ में नहीं आया क्या सुना रहे हैं, बोली चल रही थी बाबा की, बाप दादा ऐसे कुछ बोल रहे हैं, तो थोड़ी भाषा मुझे अजीब सी लगी, ध्यान नहीं दिया जाता उस पर। और वहां कुछ लिटरेचर मिल रहा था, तो एक सर्वधर्म आत्माओं का पिता, सर्व आत्माओं का पिता का जो कैलेंडर हमारा है, वो मैंने 4 रुपये का खरीद लिया और घर में आके लगा दिया। मैं टूर पे गया था तो ये चीज लेके आया हूँ, बस इतना हुआ। चित्र घर में लगा रहा, 1 साल तक लगा रहा, परंतु उस चित्र ने ही ज्ञान में चला दिया, क्योंकि तो घर में लगा दिया था, उसमें जो नीचे लिखा होता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो नाम कहीं मेमोरी में प्रिंट हो गया। डिप्लोमा 88 में पूरा हुआ, 25 दिसंबर 1988 को एक इंटरव्यू के लिए, जेई के इंटरव्यू के लिए कहीं पर गए, वो देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहां एक कोई और ब्रह्मा कुमार का नाम सौंदर भाई वो बैठे थे, पंचकुला से थे।
उस वक्त पंचकुला में रहते थे, तो वो बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, शाम हो गई है, इंटरव्यू में नंबर नहीं आ रहा। तो वैसे ही हम उनके नजदीक गए और उनसे पूछा कि सीधा प्रश्न ये पूछा, क्या आप शादी करेंगे? सेंट्रल हमारे घर से बिल्कुल पास है, लौकिक घर से 500 मीटर भी नहीं, पर सेवा केंद्र है दयाल बाग अम्बाला कैंप। और संतुअंदर कभी उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब हमको, शादी से मना नहीं है लेकिन मेरे जीवन का मकसद कुछ और। तो क्या मां सोचते थे कि जाने वाले शादी बाबा के ट्रैप में सुराम, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना कि चलते ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर गया, वैसे ही पता रहता कि ट्रैप में जा रहा हूं। और उस भाई ने भी, छोटे भाई, बहुत ही युक्ति से ऐसा आंसर दिया जो आज तक मैं वही आंसर देता हूं कि शादी से मना नहीं पर मेरे जीवन का मकसद कुछ महान है। मैं अपने तन की, मन की और धन की शक्ति कुछ विशेष कार्यों में संसार के लिए लगाना चाहता हूं। ये बात मेरे मन को छू गई। नेचर अंदर से सेवा का पहले से था, तो उनको एड्रेस दिया, एड्रेस ले लिया, तो वो पंचकुला चले गए। मैं पहला उन्होंने जाके मुझे 4-5 लेटर लिखे। उन दिनों में ब्रह्मा कुमारी बहुत कम भाई बहन होते थे, करीब 70-80 हजार, 90 हजार टोटल बताया करते, जैसे आज 12 लाख बताते। तो उन्होंने हमें 4-5, पहला दिन के आत्मा का पाठ, लेटर थे उस वक्त, मोबाइल तो था नहीं, फोन भी पड़ोसियों के यहाँ जाकर के करना पड़ता, एसटीडी से करना। तो उनको एड्रेस में उन्होंने हमें चिट्ठियां लिखी, आत्मा का पाठ, फिर प्रश्न पूछा, फिर चिट्ठी लिखी, फिर प्रश्न पूछा। तो जो भी टूटा फूटा सा जवाब हमें दिया जाता था वो दिया 4-5। अब उन्होंने बड़ी युक्ति से तीर छोड़े, 4-5 उसमें बड़ी मीठी मीठी चिट्ठियां लिखी। अब वो बड़ा अच्छा लगा, मैं प्यार से कोई चिट्ठी लिख रहा है, ये कभी उस प्रकार की भाषा, अच्छा जी अब इसका जवाब देना जी, आप कौन है जी। अब हमको इतनी उम्र में जी जी कह के बोल रहा है कोई, तो मजा आ गया, तो अच्छी लगी चिट्ठियां। और फिर एक दिन उन्होंने कहा, अच्छा जी इतना बड़ा ज्ञान केवल चिट्ठियों से तो पूरा नहीं हो सकता जी, ये जी जो है जी ले गया हमारा। फिर उन्होंने कहा, आपके तो नजदीक ही है सेंटर जी, आप किसी दिन समय निकाल कर जाओ जी। तो हम उस वक्त छोटी सी जॉब करते थे और उनके जी ने ऐसा असर डाला कि एक दिन मैं वो जॉब छोड़कर, छोटी सी जॉब थी, कोई बड़ी नहीं, टेम्परेरी किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास लगे हुए थे, वो जॉब छोड़ करके 4 फरवरी 1989 को सेंटर में हमने कदम रखा। वहाँ एक बहन मिली, तो बहन से पूछा यहाँ कोई कोर्स कराया जाता है
उन्होंने कहा हाँ कराया जाता है, लेकिन आप आज नहीं, आपको फलानी माता जी कराएंगी, उनसे टाइम ले। तो माता जी ने कहा कि आप कल आना, हम आपका इंतजार करेंगे। जी हाँ भी जी, कृष्णा माता जी का नाम था, बहुत अच्छी ज्ञानी माता थी। अब वहां भी जी, 20 साल की उम्र है, इतना जी कह के कौन बोलने वाला था, पढ़े लिखे थे ज्यादातर। तो उन्होंने कहा तो कल नहीं, मैं 6 फरवरी 1989 को कोर्स मैंने शुरू किया, और उन्होंने आत्मा का पढ़ाया परमात्मा। तो 3 दिन कोर्स किया, चौथे दिन सवेरे सवेरे मुरली में आकर बैठ गए, और उसके बाद आज 32 साल हो गए हैं। वो मुरली छुट्टी नहीं है, पहले उस वक्त वहां बहन जी भी कृष्णा बहन जी का नाम, माता जी का नाम भी कृष्णा माता, दीदी जी का नाम भी हमारे आदरणीय कृष्णा दीदी जी, जो भी हमारे सेवा के रखें। तो उन्होंने पूछा कि छोटे से कुमार को तो समझ में आता होगा, मैंने कहा काफी समझ में आ रहा है, बस फिर कोर्स नहीं किया, सीधा फोर्स में आ गए, बाबा की फोर्स में आ गए। परंतु ट्रैफिक में राजपूत से बहुत दम शुरू, चार धाराएं थोड़ा कड़ी होती है राजपूत, और उस वक्त थोड़ी ज्यादा थी, तब कोई भाई भी ज्यादा ज्ञान चलते हैं। तो और लौकिक पिताजी बहुत कड़क स्वभाव के, लेकिन सौभाग्य यह था कि वो उस वक्त एयरफोर्स में दूर थे, उस वक्त वो मद्रास में पोस्टिंग थी। पीछे लौकिक भाई बहन और माता जी के साथ ही रहते थे। डिप्लोमा पूरा हो चुका था, 5-6 महीने से जॉब भी ढूंढ रहे थे, तो उस कैलेंडर के कारण उस भाई से की बात आकर्षित की, और उस भाई की बात ने आकर्षित किया के प्यार ने, और अभी फिर सेंटर पर आकर के फिर ज्ञान थोड़ा समझ में आने लगा, बाबा क्या है, बाबा का प्यार क्या है, उसका भी ज्यादा वो नहीं, लेकिन विघन शुरू हो गए। चारों तरफ जो आश्रम के रहते थे, सेवा केंद्र के चारों तरफ, तो उन्होंने लौकिक परिवार में थोड़ा सा अग्नि लगाने का प्रयास किया, और अग्नि लगा भी दी। तो लौकिक भाई और लौकिक बहन और झगड़ा करने के लिए सेंटर पर आए, ईंटे पत्थर उठा उठा करके काफी क्रोध में कि आपने इसको फंसा लिया। पड़ोसी पड़ोसी ने बोल दिया कि अभी इसको नौकरी भी नहीं करने देंगे, अगर नौकरी करने देंगे तो उसका सारा पैसा यही ले लेंगे और इसको माउंट आबू भेज देंगे। ऐसी भ्रांति डाल दी और आंखों में सुरमा डाल दिया जाएगा इनकी, तो ऐसी प्रकार की वो चली, जादू लगा दिया जाए। तो फिर झगड़ा चलता रहा, परंतु ऐसी लगन लग गई थी कि बाबा की जीवनी की बुक्स ली, और भी जो बुक्स थी बहनों ने प्यार से वो बुक्स वगैरह दी, मूर्ति अच्छी समझ में आने लग गई। तो युक्तियां बताई बहनों ने कि बैलेंस भी रखना है घर में, और युक्ति से ज्ञान में भी चलना है।
युक्ति में मुक्ति है। तो ये बताया दोपहर को जब सभी सो जाते थे तो उस वक्त मैं चुपके से आता था सेवा केंद्र पर और मुरली पड़ी और चुपके से निकल जाता था। परंतु इतनी एक्टिविटी भी घर वाले नोट करते थे और पूछते थे कहाँ गए। झूठ बोलने की आदत नहीं थी और झूठ मुंह पर सचता भी नहीं था। तो बोला दोस्त से मिलने गया था, परंतु दोस्त थे ही नहीं, एक या दो दोस्त टोटली बने, ज्यादा अंतर्मुखता का नेचर बहुत, शुरू से ये अंतर्मुखता का नेचर जैसे पिछले जन्म से ही इनबिल्ट मिला है। तभी कहीं बोलते हैं, चैट में भी लिखते हैं कि भाई साहब खुशी का टॉपिक करा रहे, थोड़ा मुस्कुराओ तो सही। तो हम भी मजाक में बोलते हैं भाई ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर आर्टिफिशियल मुस्कुराएंगे तो मांसपेशियों में दर्द हो जाएगा, ये समझ लीजिए अंदर से बड़े आनंद में है। और आएगा वो समय भी जब ये थोड़ा हार्डवेयर भी चेंज हो जाएगा, फिर 2500 वर्ष मुस्कुराएंगे, आप भी वहां पर होंगे अच्छी तरह देख लीजिए। ओके, तो युद्ध शुरू हो गए घर में, जॉब नहीं मिल रही है। बड़ा बेटा और काफी पिताजी के ऊपर बोझ, उनकी खुद की 5-6 बहनें भाई और उनकी शादियां, काफी जिम्मेवारियों का होता उनके ऊपर। तो उम्मीद थी कि भाई यही मदद करेगा ज्यादा, लेकिन हम इस मार्ग पर कदम रखना शुरू हो गए तो उनके दिलों को ठेस लगी। और जबकि ऐसा कुछ भी ऐसा गाइड नहीं किया गया था, जैसा ज्ञान में है ये पॉजिटिव ही गाइड किया जाता है, पर लोगों को भ्रांतियां थी। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, तो लोगों के कहने से भटक जाते थे घर वाले। परंतु अंदर से जो लगन थी वो लगन ने मोह में फंसने नहीं दिया कि उनकी बातों के कारण मैं पीछे हट जाऊं। एक दो दोस्त आए हमारे साथ लेकिन उन्होंने साथ छोड़ दिया, वो ज्यादा नहीं चल पाए, उन्होंने साथ छोड़ दिया, परंतु फिर भी हम चलते रहे, बाबा की मदद मिल रही थी। इतने में एयरफोर्स के अंदर लौकिक पिताजी का लक्ष्य था, क्योंकि वो एयरफोर्स में थे, मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ, छोटे वाले भाई को एयरफोर्स में भेजना चाहते थे। तो उसने तैयारी की, 2-3 बार एयरफोर्स के पेपर दिए, परंतु वो फेल हो गया। तो मैंने कहा एयरफोर्स का पेपर भी कोई पेपर है, चलिए इस बार मैं खाली थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो चाहिए भी एग्जाम एक दे देते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा। मालूम नहीं था ड्रामा कुछ और रच रहा है। तो हम एक ही बार में पास हो गए, फिर सोचा जाना तो है नहीं है तो मेडिकल क्यों कराना है। परंतु फिर दोबारा हम एक छोटी सी जॉब पर लग गए, तो जिस रास्ते से जा रहे थे साथ में ही वहां पर एयरफोर्स का मेडिकल सेंटर था। तो हमने सोचा कि जा ही रहे हैं, बैठ ही जाते हैं, 2 घंटा लगेंगे, 2 घंटा में बेसिक मेडिकल होता है। उन्होंने बेसिक चेकअप किया, नाम लिखा और भेज दिया, भूल गए। 2-2.5 महीने के बाद सितंबर में, 89 सितंबर में लेटर आया एयरमैन के रूप में आप सिलेक्ट हो गए। रानी परेड मिल गई फर्स्ट ग्रुप की। अब इधर से युद्ध चल रहे हैं, इधर जॉब नहीं मिल रही है, कई जगह रिजेक्शन हो गई है रेलवे से, लेकिन
इतने में एक छोटी सी जॉब हाथ में आई। अब डिसाइड करना पड़ा कि जाऊं या नहीं। तो ऐसे में पूरा फेथ था बाबा के पास बैठे, और फिर दीदी निमित दीदी से पूछा, तो दीदी जी ने अपने अनुभव से कहा, देखो अभी घर में आपके ज्ञान में चलने के कारण कशमकश है, इसलिए आप अभी चले जाओ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जाने में कि एयरफोर्स में या जो भी हमारी डिफेंस फोर्सेस, वहाँ पर भोजन मैस में ही खाना पड़ता है जब हम कुमार होते हैं, और ट्रेनिंग सेंटर में तो 100% मैस में ही होता है, कुकिंग की परमिशन नहीं होती। भोजन को छह सात थोड़ा थोड़ा वो ट्यूनिंग बैठ नहीं रही थी, क्योंकि भाई बहन नहीं मान रहे थे, और टीचर पिताजी छुट्टियां है वो इतना क्रोध करते थे। अगर उन्होंने देख लिया, माता जी मोह में देती थी बना करके, लेकिन पिताजी को पता लग गया तो थाली जो है वो फ्लाइंग डिस्क की तरह कली से बाहर जाती, ये दो चूल्हे नहीं बनेंगे यहाँ पर इस तरह। तो आवाज ठीक है, कहीं लिख रहे हैं, आवाज की डिस्टर्बेंस है। आवाज क्लियर है, वॉइस इज ब्रेकिंग, नॉट क्लियर। अभी अभी क्लियर है, क्योंकि वॉइस ओके। एक मिनट होल्ड करेंगे, होल्ड करें। ओके ओके आनंद आनंद चलिए सभी अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाएं, आनंद स्वरूप में टिक जाएं। परिस्थिति किस वक्त किस रूप में आ जाएगी बता कर नहीं आती जिंदगी, बातें परिस्थिति। मैं आत्मा आंतरिक आनंद में
उस जीवन की बातें मेरे अनुकूल चले या ना चले, पर मेरा मन सदा मेरे अनुसार चलना चाहिए। महसूस करें मेरे मन से आनंद की प्रकंपन निकल रही,
ओम शांति। अभी चेक करेंगे। अभी बताएंगे ओम शांति। अभी चेक करेंगे। अभी बताएं। अभी क्लियर है ओके। थैंक यू। और हमारे जो टेक्निकल एडवाइजर आई है भाई को बुलाया तो उन्होंने निकाला, कनेक्ट किया उन्होंने। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं थोड़ा। तो इस प्रकार से ज्ञान की यात्रा आरंभ हुई और फिर एयरफोर्स में जाने का प्रोग्राम बन गया। भले ही वो प्रॉब्लम थी वहां पर भोजन की दिक्कत रहेगी, लेकिन बाबा की जैसी दीदी के थ्रू प्रेरणा आई उस प्रेरणा के अनुसार हमने वहां पर जाने का संकल्प कर लिया। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसका विस्तार कैसे हुआ ये हम बने कल बताएंगे, लेकिन आज इतना हम आपको बता दें कि जो संकल्प लिया मैंने घर से ही संकल्प ले लिया था कि मुझे अपवित्र भोजन नहीं करना है। आज बहुत से भाई बहन सारी सुविधाएं होते हुए भी भोजन जो है वो मर्यादा अनुसार नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने इसमें बाबा की ऐसी वंडरफुल मदद महसूस की है, गजब की मदद, वो भी भारतीय वायुसेना में होते हुए 20 वर्ष की जॉब मैंने की। जो सच्चे दिल से संकल्प ले लिया था छोटी सी उम्र में 20 वर्ष की उम्र में कि बाबा, उस वक्त ये प्यार दिल दिमाग के कंसेप्ट नहीं पता थे, जो नेचुरल सच्चाई थी और नेचुरल ही जो बड़ों की बात हमने मानी, उस नेचुरल बात में जो सच्चाई पवित्रता थी उसका रिजल्ट इतना कमाल का था कि 20 वर्ष एयरफोर्स में रहते हुए और अलग अलग जगहों पर टेम्परेरी ड्यूटी भी और पोस्टिंग्स भी ऐसी ऐसी जगहों पर हुई, भुज से भी आगे 100 किलोमीटर दूर जहां साधन सब्जियां वगैरह पहुंचना भी मुश्किल, उधर मोहनबाड़ी आसाम में बहुत दूर, वहां भी जहां पहले ट्रेन तक नहीं पहुंच पाती थी, और लेह लद्दाख, ऐसी जगहों पर भी बाबा ने 20 वर्ष मर्यादा रखने में वंडरफुल मदद की और मैंने मेस में भोजन अपवित्र वाला भोजन लहसुन प्याज का भोजन नहीं किया। और 18 वर्ष 17 वर्ष तो किसी के हाथ का बना हुआ भी नहीं, केवल ट्रेनिंग सेंटर में 2 वर्ष, ये मैं पूरा कल विस्तार से बताऊंगा मैं, क्योंकि भोजन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और कैसे उसको करना है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, कैसे बाबा ने कराया और सब पिकनिक पार्टीज सब अटेंड करते थे जो वहाँ होती थी हमारी कम्युनिटी एयरफोर्स की में, लेकिन उसके बावजूद अपनी मर्यादा को कुमार होते हुए भी भंग नहीं किया, नहीं बोलूंगा मैं किया शब्द में ऐसा लगता है मैंने किया,
मैंने नहीं किया एक्चुअली, आज मैं कहता हूँ ये बाबा की अव्यक्त पालना थी। हाँ, मेरे अंदर सच्चाई का परसेंटेज था इस धारणा के लिए, यही चलता था कि मुझे जो बाहर हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहन उनके जैसी ही धारणा करनी, भले मैं एयरफोर्स में हूँ, हमारा इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का माहौल है, ऐसे व्यसन भी हमारे पास बहुत अवेलेबल रहते हैं, शराब हमें मिलती है और अभी भी मिलती है, अभी भी कार्ड बने हुए हमारे कैंटीन से भी लो प्राइस पर ही मिलती है फौजियों को, पूरा जीवन मिलती है, वीक में 2-3 दिन बार्स हमारे अवेलेबल रहते थे, सब अवेलेबल था वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद और छोटी उम्र में पैसा हाथ में आ जाए तो भटकने का चांस होता है, परंतु बाबा ने जो मदद की अव्यक्त पालना, इस पर हमने एक अव्यक्त पालना की सीरीज भी चलाई थी पहले, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर है वो सीरीज, कि कैसे बाबा ने योग करना सिखाया। हमने योग की ट्रेनिंग देखिए 6-7 महीने का ज्ञान हुआ था, उसमें भी हमने सेंटर पर क्लासेस ज्यादा नहीं की, वो दोपहर को जाके सिर्फ मुर्गियां पढ़ी, उसके बाद केवल एक अव्यक्त वाणी लेकर के गए थे हम एयरफोर्स के अंदर, एक अव्यक्त वाणी। ट्रेनिंग सेंटर में बाहर जाने की छुट्टी नहीं मिलती है, बुकआउट बोलते हैं उसे, ट्रेनीज को बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो ड्रेस में मिलती है, वो भी वहां पर तो उस टाइम हेयर कट भी आजकल तो फैशन हो गया, इस वक्त इसको बोलते थे चपाती हेयर कट, बाल ऊपर ऊपर रहते थे, टोपी सी रहती थी, बाकी सारे कट जाते, आजकल तो फैशन हो गया, उस वक्त तो हंसा करते थे लोग उसको, और ऐसे में बाजार जाना बाहर जाना वो और भी मुश्किल होता था। तो इतना लंबा समय 20 वर्ष भोजन की मर्यादा बाबा ने संकल्प की शक्ति से करे, तो आज जो शक्ति है उस अनुभव की एक बहुत बड़ी शक्ति है कि अगर आपने सच्चे दिल से भगवान को कुछ बोला है, लेकिन सच्चे दिल से, ये पूरी रिसर्च है कि दिल से कहना क्या होता है और ऊपर से कहना क्या होता है, इसकी भी पूरी स्टडी होनी चाहिए, इस पर भी दिल और दिमाग की पूरी सीरीज चली है, वो भी चैनल पर है, दिल क्या है दिमाग क्या है। तो जब सच्चे दिल से आप बाबा को कुछ कहते हैं तो जो वायदे बाबा ने किए, उस वक्त हमें कोई अध्ययन नहीं था इन चीजों का, लेकिन बाबा की एक अव्यक्त वाणी ले गए थे, एक अव्यक्त वाणी, उसी अव्यक्त वाणी को लगभग 2 साल वही पढ़ी, एक अव्यक्त वाणी मतलब एक बुक थी जिसके अंदर होंगी 40-60 वाणियां होंगी, उन्हीं को पढ़ा, बीच में कभी 15 दिन महीना के बाद सेंटर पर जा सकते थे, कभी 10-15 मिनट के लिए भोग लेने के लिए, रेगुलर रूप में सेंटर पर जाना परमिशन ही नहीं था, बुक हाउस परमिशन ही नहीं था, तो क्योंकि 2 साल पूरा अच्छी तरह से फौजी बनाया जाता है, 2 साल की हमारी ट्रेनिंग थी, तो उस दौरान क्या हुआ कैसे हुआ, मेस में भोजन कैसे किया, मेस में जहां एक ही टेबल पर मांस का और वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, वहां ये डिब्बे ऐसे ही साथ में लगे, सर्विंग के भी खाने वाले भी साथ में बैठे हो, बिल्कुल साइड में, आपके साइड में बैठकर एक दूसरा फौजी भाई मछली खा रहा होगा और यहाँ आपको बाबा की याद में जो भी ग्रहण करना है, वो क्या ग्रहण करते थे बताएंगे कल आप। 20 वर्ष ये ग्रहण किया है और गजब का आज बाबा का इतना कोटि कोटि शुक्रिया निकलता है। इसलिए अव्यक्त पालना क्या है हम आपको बताएं, हमने
क्योंकि जल्दी चले गए थे तो किसी से योग की ट्रेनिंग नहीं ली। मधुबन भी आना जाना, आज तो मेरे मीठे बाबा ने मधुबन निवासी बना दिया, तपोवन में स्थान दिला दिया, सेवा दिला दी, लेकिन उस वक्त मधुबन आना जाना भी साल में दो साल में एक बार कभी हो पाता था अनेक रिस्ट्रिक्शंस के कारण। ब्रह्मा कुमारी के लिए नेगेटिव करंट भी थी, हमारे लिए ऑर्डर्स भी थे कि यू विल नॉट विजिट इन ब्रह्मा कुमारी, ऐसे ऑर्डर्स थे, रिटर्न में था। ब्रह्मा कुमारी का नाम टॉप पर रहता था, पीछे हमारी पुलिस रहती थी, एयरफोर्स की पुलिस, ये कानूनन उनको जरूरी था नजर रखना, अकॉर्डिंग टू लॉ था ये, परंतु हमने किसी लॉ को ब्रेक नहीं किया उस प्रकार से कि कोई ऐसा एंटी नेशनलिज्म का कोई ऐसा वो हो। कल सुनाएंगे दो चार घटनाएं बड़ी वंडरफुल रही, जिसमें हमारे ऊपर नजर रखने वालों की भी जीवन बाबा ने बदली। लेकिन उस वक्त हम नहीं कर रहे थे, हमें तो इतनी समझ ही नहीं थी। 20, 21, 22, 23, 25 साल का नौजवान क्या समझ रख सकता है जिसने कभी ज्ञान भी नहीं सुना हो ढंग से, तो बाबा ने कैसे कराया ये अनुभव हम कल की क्लास में शेयर करेंगे। बीच में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ नेटवर्क का, थोड़ा इसे हमें बियर करना है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। और इसमें ऐसी सिचुएशन में ही हम अपने आनंद की स्थिति को चेक कर सकते हैं। मैं हर एक सिचुएशन में चेक करता हूँ कि सिचुएशन क्यों आई, किस कारण से आई, किसके द्वारा आई। इसके चिंतन में अगर चले गए तो आप मुझे क्या करना है इससे दूर हो जाओ। आप सबसे पहले ये देखो जो भी आई, कैसे आई, क्यों आई, समझ में आ जाएगा, और कैसे भगाना है ये भी समझ में आ जाएगा। आप केवल अपने मन को उस आनंद की स्थिति में, उस प्रभु प्रेम की स्थिति में टिकाना सीख जाएंगे। अच्छा जी, आज वाणी को यही विराम देते हैं, कल फिर से हम किसी अनुभव के ही विषय को लेंगे, शायद किसी को कुछ थोड़ा सीखने को मिल जाए, क्योंकि भोजन वाली बात तो बहुत असर करती है। आज तो हम खुद बोल सकते हैं 32 साल के बाद कि जो बाबा ने कराया एक वंडर था वो। आप हमारे कई फौजी भाई बैठे हैं और हमारे आनंदमय घोषाल जी तो ऑफिसर रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 20 वर्ष सेनाओं में रह करके भोजन को पवित्र रखना एक कोई बाबा कहते मासी का घर नहीं है, जबकि बाबा की परमिशन थी खाने की, लेकिन खाना तो वही पड़ता है। परंतु जिस बच्चे ने संकल्प रख लिया कि वो भी नहीं खाना है तो भगवान कैसे मदद करता है, ये वंडरफुल कहानी का पात्र बनने का अवसर मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ। और इसके बाद बहुत से कुमारों ने फिर उसको फॉलो किया, तो ये कल हम शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दो मिनट बैठेंगे आनंद स्वरूप में, जैसे ही आनंद की किरणें निकलेंगी वैसे ही सब कुछ छट जाएगा, सब छट जाना चाहिए, शावर की तरह है आनंद। जैसे ही मस्तक से आनंद निकले, जैसे पाइपलाइन के अंदर फंसा हुआ जंक प्रेशर के साथ आते हुए पानी के साथ बह जाता है, फंसी हुई मिट्टी बह जाती, आनंद का फाउंटेन जब चलता है, मन के अंदर जो फीलिंग्स के नेगेटिविटी के सब जो लगे हैं
जंक लगे हैं वो सब बह जाते हैं, आनंद ही आनंद रह जाता है। ऐसा सुंदर आनंद का जनरेटर है हमारा मन। मैं बड़े आनंद में हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मेरे से ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं संसार। ओके जी, थैंक यू, ओम शांति। आनंद का पाठ क्या कमाल कर रहा है वो लिखते हुए आप साइन ऑफ करेंगे। ओम शांति।